मुस्तो चैसरी शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। भाव स्थिति काय स्थिति क्या है और यह मनुष्य और त्रियंचों की कितनी होती है? भाव स्थिति और काय स्थिति दो प्रकार की स्थितियां हैं। भाव स्थिति मतलब एक ही भाव की जो स्थिति है, आयु है, वो भाव स्थिति कहलाती है। जैसे मनुष्य की आयु, त्रियंश की आयु, तो एक भाव में जितनी आयु भोगी जाती है वो भाव स्थिति कहलाती है। काय स्थिति का मतलब है एक काय जो शरीर की है उसको परित्यक्ता छोड़ने के बाद भी वह काय जो है उसको उनको अलग भाव में फिर प्राप्त हो, अन्य भाव में कितने बार प्राप्त हो। मतलब जैसे औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर इस भाव में, अगले भाव में, आगे भाव में, ऐसे औदारिक शरीर कितने बार लगातार प्राप्त हो, ये कहलाती है काय स्थिति। शरीर की जो नाम कर्म जो काय है उसकी स्थिति। तो इस प्रकार से भाव स्थिति और अपन को काय स्थिति के बारे में जानना चाहिए। तो भाव स्थिति जो है एक भाव की जब उत्कृष्ट जो है वो 33 सागर की है। उत्कृष्ट कितनी है? 33 सागर की भाव स्थिति उत्कृष्ट है। और जो काय स्थिति जो है वो जगन्य से तो अंतर्मुहूर्त है ही है, लेकिन उत्कृष्ट से जैसे निगोदिया जीव है तो उसका अनादि अनंत भी है, अनादि शांत भी है और शादी शांत भी है। ऐसे त्रियंचों में भी शादी शांत होता है जो दो इंद्री तीन इंद्री आदि हैं, और मनुष्यों में भी शादी शांत होता है जिसका आदि होता है और जिसका अंत भी होता है, यह इनकी स्थितियां बनती हैं। नमोस्तु चश्री रेखा जैन महेश नगर अंबाला छावनी से अपनी शंका रख रही हैं। विग्रह गति में हमारे कितने प्राण होते हैं? जन्म लेने के लिए जिस गति में जाते हैं वो विग्रह गति कहलाती है, और उस विग्रह गति में 3 प्राण होते हैं। एक तो आयु नाम का प्राण होता है, एक इंद्री नाम का प्राण होता है, और जो बल है उस बल में काय बल, क्योंकि तेजस और कार्बन शीर्ष साथ में होता है तो काय बल होता है। ये 3 प्राण तो होती हैं, आयु, इंद्री और काय बल। नमोस्तु आचार्य श्री व्रजेंद्र कुमार जैन सहादरा दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकर के वस्त्र भोजन स्वर्ग से आते हैं लेकिन वहाँ पर कवला आहार नहीं है तो कैसे व्यवस्था बनती है? तो देव लोग जो हैं अपने वहाँ पर रोटी दाल सब्जी आदि तो बनाते नहीं हैं, ये कवलाहार भोजन होता है। तो फिर तीर्थंकर जो हैं ग्रस्त अवस्था में, उनके लिए कैसे कहाँ से लाते होंगे? भैया लाने की ज़रूरत उनको नहीं है, देव हैं, वो कुछ भी विक्रिया से कुछ भी बना सकते हैं, दिव्य वस्तु बना सकते हैं, उनको बनाने में कहीं कुछ प्रकार का कुछ सोचना नहीं होता है। कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ पर, कल्प वृक्षों से भी ला सकते हैं, और कल्प वृक्ष जो है चिंतन करने मात्र से वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। तो वो दिव्य भोग आदि जो है कल्प वृक्ष से ला करके वो तीर्थंकरों को जो राजकुमार अवस्था में है होते हैं उनको प्रदान करते हैं। नमोस्तु चौधरी सोनल जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या जैन धर्म के अनुसार तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और दीपक भी लगा सकते हैं क्या? जैन धर्म के अनुसार किसी भी वृक्ष की पूजा पाठ नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। हाँ, किसी वैंतर आदि देवों को कोई वृक्ष विशेष से बड़ा प्यार हो, लगाव हो, तो वो बात अलग है, वो उसमें निवास करे, वो उसके पास रहे, वो उसका अपना काम है। लेकिन उस वैंतर की पूजा पाठ करने के लिए हम कि वृक्ष की पूजा पाठ करना है, ऐसा जैन दर्शन में कहीं भी नहीं है। अब रही तुलसी, तुलसी एक औषधि का वृक्ष है। औषधि का वृक्ष मतलब क्या? उसके जो पत्ते हैं उसमें जो रस है उसके काढ़े आदि बनाने से व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो औषधि लगाने के नाम से आप घर में तुलसी लगाओ, नीम लगाओ, कहीं कोई बाधा नहीं है। और वो औषधि के नाम से ही लगाना, धर्म के नाम से नहीं कि धर्म है तुलसी लगाएंगे, देवी देवता आएंगे, हमारा कार्य करेंगे, फिर हम उसकी आरती करें, पूजा पाठ करें। जैन धर्म में उनकी पूजा पाठ करना मिथ्या है, औषधि आदि के उपयोग को लगाना ये आपके लिए जायज़ है। नमोस्तु चाश्री चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही है। मनुष्य पर्याय में धर्माचरण का अनुकूल समय क्या है? धर्म रूप आचरण करना धर्माचरण है। धर्म क्या है? रत्नत्रय,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य धर्म है, और इसका जो आचरण है वो धर्माचरण है। और इसका अनुकूल समय क्या? अरे रत्नात्रय तो 24 घंटे होता है। श्रद्धा हमेशा, ज्ञान हमेशा और चारित्र हमेशा। इस मनुष्य पर्याय में प्रति समय ही धर्माचरण करना चाहिए, और ये हर समय करने लायक है, पूरी ता जिंदगी जीवन भर करने लायक है और करते रहना चाहिए। नमोस्तु श्री, बीना राज मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। जीव की व्याख्या जानने देखने वाला चैतन्य सहित है, तो क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि जो आत्मधारी है वही जीव है? प्रश्न पूछने के पहले कई बार सोचा करो कि हम क्या पूछ रहे हैं। देखिए, अब आत्मधारी जीव है तो आत्मधारी और जीव कोई अलग चीज थोड़ी हो गई, अलग वस्तु थोड़ी हो गई, ठीक है ना। देखने वाला जो जीव है वह चैतन्य है, वही चैतन्य ही आत्मा है, कोई अलग वस्तु नहीं है। नमोस्तु श्री, रजनी जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं। मुनिराज के 84 लाख उत्तर गुणों में से पैशोन्नत्व और गंधमाला का क्या अर्थ है? 84 लाख उत्तर गुण मुनिराज के होते हैं। वैसे तो ये ध्यान में ही पालन होते हैं, लेकिन यदि व्यवहार में हो तो उसमें लिखा है पैशून्य। पैशून्य का मतलब होता है चुगलखोरी, चोरी चुगलखोरी आदि करना, तो इसका त्याग रहना, ये कभी भी उनके मन में नहीं आना चाहिए किसी की चुगलखोरी आदि करना, पैशून्य का भाव का अभाव होना। दूसरा लिखा आपने बोला है गंधमाला। गंधमाला मतलब है कि किसी प्रकार से शील में दोष न लगे, तो ऐसे वस्त्र आभूषण और सुगंधित फूल आदि की माला रखना अपने पास आदि, जिससे आपके परिणाम उसमें जाएं, जिससे आपका विशील आदि का भाव भंग हो, तो इस प्रकार से गंधमाला आदि का भी त्याग रहना। इस प्रकार 84 लाख उत्तर गुणों का मुनिराज पालन करते हैं। नमोस्तु चाचरी, रेणु जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। लोग कहते हैं कि शराब पीने वाले को कोरोना नहीं होता, क्या यह सही है? इस प्रकार के कुतर्क और तर्क करके शराब, मांसाहार आदि को बढ़ावा देने के लिए लोगों की साजिश हुआ करती हैं। आप आसपास के लोगों को पता करो कि कौन व्यक्ति मर रहा है और कैसे मर रहा है। क्या वो शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं मर रहा है? क्या मांसाहारी वाला व्यक्ति नहीं मर रहा है? अस्पतालों में जाओ, ढेरों देख लो, ऐसे व्यसनी लोगों की लाइन लगी हुई है और उन्हीं से पूरे अस्पताल भरे हुए हैं। तो ऐसे कुतर्क करके ये जो व्यसन हैं उनकी हमें क्या पूर्ति नहीं करना चाहिए, बढ़ावा उनको नहीं देना चाहिए। अरे कोरोना चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो एक महामारी है, वायरस है, जो भी उसकी चपेट में आता है गले में जाकर के फंस जाता है, लंग्स में जाके व्यक्ति मर जाता है, ठीक है ना। इससे इसका खान पीन से क्या लेना देना, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी है, मानसिकता कितनी है, उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। लेकिन ऐसा कहना कि शराब पीने वाला व्यक्ति जो है उसको कोरोना नहीं होता, तो सारी दुनिया शराब पीना चालू कर देगी, तो फिर उसको ना हो। और विदेश में तो पानी कम शराब ज़्यादा पीते हैं, विदेशों में क्या करते हैं, पानी तो बहुत कम पीते हैं, हर घर में बियर के बियर बार खुले हुए हैं, तो क्या उनको कोरोना नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा कोरोना तो वहीं हुआ, लाखों की मौत तो वहीं पर हुई, फिर उनको मरना नहीं चाहिए था। ऐसा कभी भी तर्क को तर्क में फंसना नहीं है हमें। नमोस्तु श्री, उमरेश सिंह सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या बिना नहाए शुद्ध वस्त्र पहनकर स्वाध्याय जाप आदि किया जा सकता है क्या? जब आपने नहाया नहीं है तो शुद्ध वस्त्र पहन करके करोगे क्या? शुद्धि तो पहले शरीर की करो, फिर वस्त्र की शुद्धि करो। जिस प्रकार आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी, वस्त्र की शुद्धि रहेगी, तो मन की भी शुद्धि रहेगी, फिर आपके वचन की भी शुद्धि रहेगी। जितना शुद्धता धारण करेंगे उतना स्वाध्याय जप है, तप है, और आप आराधना करेंगे तो आपको बहुत फल की प्राप्ति होगी। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगम धारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।